फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बंगाल की फेमस रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मैदा ले लिया है और इसमें हम डालेंगे ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पे घी भी ऐड कर सकते हैं। ये राधा वल्लभी की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। और अब इसमें अब हम नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाइंड करके देखें, अगर बाइंड नहीं हो रहा है तो थोड़ा घी या ऑयल और एक्स्ट्रा ऐड करें। और यहाँ पे अब हम हल्का गरम पानी लेंगे और हल्का गरम पानी से ही अब इसका डो तैयार करेंगे। एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लें। तो आप देख सकते हैं सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया है। 5 मिनट बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे, ढक देंगे। उससे पहले मैंने थोड़ा ऑयल से ऊपर में ग्रीसिंग कर दी है, मिक्स कर लेंगे। और इसे ढक करके आधा घंटा के लिए हम साइड रख देंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिया है उड़द दाल, जिसे मैंने 5 से 6 घंटा अच्छे से भिगो के रख लिया था। पानी से अलग करेंगे, जार में डालेंगे। और फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना कम पानी यूज करके इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हम अदरक ऐड कर देंगे। थोड़ा पानी हम ऐड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं तैयार हो गया है। यहाँ पे कढ़ाई में हम डालेंगे सौंफ, जीरा, कोरिएंडर सीड्स और हम इलायची ऐड करेंगे। ये हम भाजा मसाला तैयार कर रहे हैं, जो बंगाल की रेसिपी में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसे रोस्ट कर लेंगे और इसे ठंडा करके इसका पीस करके हम पाउडर तैयार कर लेंगे। तो हम इसके पीस लेंगे और पाउडर तैयार कर लेंगे। फिर से मैंने कढ़ाई को गैस पे डाला। इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, इसमें हम थोड़ा मस्टर्ड ऑयल भी ऐड करेंगे। हल्का गर्म होने के बाद इसमें सौंफ ऐड कर देंगे, हींग ऐड कर देंगे। थोड़ा हम इसे पका लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे उड़द दाल का पेस्ट। और फ्रेंड, हम यहाँ पे फ्लेम को रखेंगे लो लो हीट पे। अब हम इसे ड्राई होने तक चलाने वाले हैं। तो हम इसे लो हीट पे ही पूरा ड्राई कर लेंगे, तब तक चलाएंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिक्स कर देंगे। और आप देख सकते हैं ये ड्राई होना भी शुरू हो गया है। इसे आपको लगातार चलाना पड़ेगा, इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा चीनी, मिक्स कर देंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार जरूर बनाइएगा। और इसमें अब भाजा मसाला हम यूज करेंगे। जितना हमने पीस के पाउडर बनाना है वो मैंने सारा ही इसमें यूज कर लिया है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। अब ये रेडी है, तो हम साइड कर देंगे और इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हम अदरक, टमाटर, अब हम बिना लहसुन प्याज के बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाने वाले हैं। बहुत ही इंस्टेंट बन के तैयार होगी। तो मैंने एक टमाटर को कट करके डाल दिया है और ये मेरा दूसरा टमाटर है। मैंने टोटल 2 टमाटर यूज किया है। और यहाँ पे हम मिर्च डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे हम चॉप कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हो गया है पूरी तरीके से चॉप। यहाँ पे हम कढ़ाई को गैस पे डालेंगे। इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है। इसमें जीरा ऐड कर देंगे, हींग ऐड कर देंगे और हम चॉप किया हुआ टमाटर वाला मिक्सचर इसमें डाल देंगे और भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं अब ये भुना गया। इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। और इसमें ऐड कर देंगे काश्मीरी रेड चिली पाउडर, मिक्स करके भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। अब हम मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और काली मिर्च का पाउडर हम ऐड कर देंगे, भून लेंगे।
आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से भुना चुका है, ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो अब हम इसमें 3 से 4 बॉइल्ड आलू इसमें हम डाल देंगे। रफली तोड़ना है आपको, बहुत मैश नहीं करना है इसे। और मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे आमचूर का पाउडर, चला लेंगे। फ्रेंड्स इस सब्जी के साथ बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। और इसमें मैंने 1 कप अधिक पानी डाला है, और इसको अगर जितना गाढ़ा रखना है उस हिसाब से आप इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 1/2 कप जितना पानी इसमें एक्स्ट्रा और ऐड किया है, मैंने टोटल 1.5 कप जितना इसमें पानी ऐड किया है। और अब हम इसे तेज आंच पे बॉईल कर लेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला का पाउडर और कसूरी मेथी क्रश करके ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। और 1-2 मिनट हम इसे चला लेंगे। सब्जी को बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। अब बड़े बड़े जो आलू के टुकड़े दिख रहे हैं आप उसे चाहे तो छोटा कर सकते हैं। अब ये सब्जी बनके तैयार है। लास्ट में हम इसमें धनिया का पत्ता ऐड करेंगे। आपने देखा कितना फटाफट बन जाने वाला ये सब्जी है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे हम साइड रख देंगे। अब हम पूरी की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पे हम बहुत अच्छे से ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे, और एक मैदा से लोई ले लेंगे, उसे हम पहले मैश कर लेते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि लोई कट कर लें, उसके बाद आपको बाकी के मैदे को ढक करके रखना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो किसी गीले कपड़े से इसे ढक के रख दें। और लोई थोड़ा बड़े साइज का लेना है, क्योंकि राधा वल्लभी थोड़े बड़े बड़े साइज की बन के तैयार होती है। अंदर में फिलिंग डालेंगे, लॉक कर देंगे, और पूरी से थोड़ा बड़ा साइज का हम इसे बेलेंगे। तो मैंने फिर से ऑयल लगा दिया है, अब हम इसे बेल लेंगे। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथों से आप इसे बेलेंगे तो ये अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था लो टू मीडियम हीट पे, और इसे अब हम इसमें डाल देंगे। जब आप पूरी इसमें डालें तो आपका ऑयल थोड़ा ज्यादा गर्म होना चाहिए, तभी ये फूलेगी। तो मैंने अभी गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है, ताकि मेरी पूरी बहुत ही अच्छे से फूल के बाहर आए। तो मैंने ऊपर से थोड़ा गर्म ऑयल डाला है, अब हम इसे पलट देंगे और थोड़ा सा हल्का हाथों से दबाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि हमारी पूरी बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स सारे पूरी को आपको बना के तैयार कर लेना है। और हमने राधा वल्ली भी बना के तैयार कर लिया है। इसी तरीके से सारे बनाएं और आलू की सब्जी के साथ सर्व करें। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन तो जरूर टैप करें। धन्यवाद।